फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग। दोस्तों हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें चैनोट और बोलाइन ऑनर बाइट की मदद से कैसे घायल इंसान को रेस्क्यू करना है। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को देखने के साथ साथ उन वीडियो को भी देखें ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में बोलाइन ऑनर बाइट की मदद से कैसे रेस्क्यू करना है आप देख पाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त गोविंद। मजा आ जाएगा, चलो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये रेस्क्यू ऑपरेशन तमिलनाडु फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के जवानों के द्वारा अंजाम दिया गया है, जहां पे एक गड्ढे कुआं से कुछ एक्सीडेंट की वजह से गिर पड़ी पीड़िता को उधार करते हुए आप देख पा रहे हैं। दोस्तों आपको मेरा एक गुजारिश है, हमेशा अपनी जान को जोखिम में डालते हुए दूसरों के जिंदगी को सेव करने वाले ऐसे सुपर ह्यूमन के लिए एक लाइक तो बनता है। खैर आपको ध्यान देने की बात यह है कि इसे पीड़िता के ऊपर चैन नोट की दोनों लूप को सही तरीके में सेट किया गया है। हालांकि इसमें सिचुएशन के हिसाब से बोलाइन ऑन ए बाइट की जगह चैन नोट को यूज किया गया है, फिर भी आपको दोनों गठन में से किस गठन को यूज करना है ऑन द स्पॉट सिचुएशन देखकर आपको खुद डिसाइड करना होगा। जब भी हम किसी जीवित इंसान या जीवित जानवर को रेस्क्यू करते हैं, रेस्क्यू के समय खुद के सेफ्टी के साथ साथ उनके सेफ्टी के लिए भी ध्यान देना जरूरी है। यहाँ पीड़िता को सेफ्टी देने के लिए उसे हेलमेट पहनाया गया है ताकि ऊपर से गिरने वाली वस्तु या पत्थर डायरेक्ट उनकी सिर पर ना गिरे। चैनोट के द्वारा कैसे सही तरीके से रेस्क्यू किया जाता है जानने के लिए वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो में आपको सीखने के लिए क्या मिला कमेंट करके आप मुझे बताइए। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही लाइफ सेविंग और सेल्फ प्रोटेक्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नए एक फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।